हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं वाईफाई दोस्त चैनल। जी हां दोस्तों, रियलमी के कई स्मार्टफोन महंगे हो चुके हैं। हम यहां पे आपको बताएंगे कि रियलमी के कौन से स्मार्टफोन महंगे हुए हैं और कितने रुपए महंगे हुए हैं, पहले के मुताबिक अभी के दाम में कितने रुपये का बदलाव हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अभी तक चैनल वाईफाई दोस्त को सब्सक्राइब नहीं किया, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं अपडेट की ओर। रियलमी एक्स टू, रियलमी सिक्स प्रो महंगे हुए रियलमी के कई स्मार्टफोन। स्मार्टफोन पर जीएसटी बढ़ जाने के कारण रियलमी ने भारत में अपने स्मार्टफोन की कीमतों में बदलाव करने का फैसला किया। इस बदलाव के बाद रियलमी पोर्टफोलियो के लेटेस्ट स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। उदाहरण के तौर पर रियलमी सिक्स और रियलमी सिक्स प्रो स्मार्टफोन 1,000 रुपये महंगे हो गए हैं। याद रहे कि भारतीय सरकार ने हाल ही में स्मार्टफोन पर जीएसटी को 12% के बढ़ाकर 18% करने का फैसला किया था। नई जीएसटी दर 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गई। इस बाबत एप्पल, शाओमी, वीवो और ओप्पो जैसी कंपनियों ने अपने फ़ोन के दाम में बदलाव कर दिए हैं। रियलमी सिक्स की भारत में अब कीमत क्या है पहले के मुताबिक? रियलमी सिक्स की कीमत भारत में अब 13,999 रुपये से शुरू होती है। यह दाम 4 GB RAM प्लस 64 GB स्टोरेज मॉडल का है, यानी 1,000 रुपये ज़्यादा। यह दाम स्मार्टफोन के 6 GB RAM प्लस 64 GB स्टोरेज वेरिएंट का दाम 15,999 रुपये है। इसके 8 GB RAM प्लस 128 GB स्टोरेज वेरिएंट को 16,999 रुपये में बेचा जाएगा। दूसरी तरफ रियलमी सिक्स प्रो का दाम अब भारत में क्या है? जी हां, रियलमी सिक्स प्रो के दाम में क्या बढ़ोतरी हुआ है? रियलमी सिक्स प्रो अब भारत में 17,999 रुपये से शुरू होती, यानी इसमें भी 1,000 रुपये का ज़्यादा हुआ है। यह दाम 6 GB RAM प्लस 64 GB स्टोरेज वेरिएंट का है। स्मार्टफोन के 6 GB RAM प्लस 128 GB स्टोरेज वेरिएंट को 18,999 रुपये और 8 GB RAM प्लस 128 GB स्टोरेज वेरिएंट को 19,999 रुपये में बेचा जाएगा। रियलमी का कहना है कि 2018 की दूसरी छमाही के बाद उसने पहली बार अपने फ़ोन के दाम बढ़ाए हैं। जनवरी में लॉन्च किए गए रियलमी 5i की कीमत में भी बदलाव हुआ है। अब इसकी कीमत, यानी रियलमी 5i में भी कीमत में बदलाव हो चुका है। अब इसकी कीमत 9,999 रुपये से शुरू होती है। दाम में बढ़ोतरी 1,000 रुपये की है। दूसरी तरफ रियलमी C3 के दाम में सिर्फ 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब इसकी कीमत 7,499 रुपये से शुरू होती है। रियलमी X2 के दाम में 1,000 रुपये का बदलाव किया गया है, लेकिन रियलमी X2 प्रो अपनी पुरानी कीमत में बिकता रहेगा, यानी रियलमी X2 प्रो में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। रियलमी ने अपने रियलमी X2 प्रो मास्टर रेटिंग के दाम को 2,000 रुपये बढ़ाने का फैसला किया है। यह अभी 36,999 रुपये में उपलब्ध है। वहीं रियलमी 5, रियलमी 5S, रियलमी 5 प्रो, रियलमी X और रियलमी XT जैसे फ़ोन भी 1,000 रुपये महंगे हो गए हैं। यानी देखा जाए तो बहुत सारे फ़ोन महंगे हो चुके हैं, जैसे रियलमी 5 महंगे हुए, रियलमी 5i महंगे हुए, रियलमी 5S महंगे हुए, रियलमी 5 प्रो महंगे हुए, रियलमी X महंगे हुए, रियलमी XT महंगे हुए और रियलमी 6 महंगे तो हो ही चुके हैं, रियलमी 6 प्रो भी महंगे हो चुके हैं। तो बस यही जानकारी था और नीचे स्पेसिफिकेशन है। और अगर आपको इन सब फ़ोनों के बारे में स्पेसिफिकेशन जानना है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। चैनल पे मैंने सब वीडियो का स्पेसिफिकेशन डिटेल से बता रखा है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितने भी आपके दोस्त इस स्मार्टफोन को ख़रीदना चाहते होंगे तो उनको इस लेटेस्ट दाम के बारे में पता चल जाए और बहुत अच्छी होगी, जो कि आपके दोस्त को भी इस नए दाम के बारे में पता चल जाएगा। तो साथ ही हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वाईफाई दोस्त को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दे और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें इस वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह अपडेट आपको कैसा लगा। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और साथ ही साथ आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा,
इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी आपको वीडियो के नीचे में और लिंक आपको वीडियो के नीचे में मिल जाएगा। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।